मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने भी मैदान संभाल लिया है। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और झाबुआ पर्यवेक्षक रविंद्र जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला केवल भ्रष्टाचारियों से। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। पार्टी ने यदि आज आदरणीय मीणा जी पे भरोसा जताया है, पार्टी ने टिकट दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको मान मनोबल करके उनकी जो क्योंकि देखिए नाराजगी जायज है, बड़ा परिवार होता है, बहुत सारे कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, उसमें नेतृत्व भी बढ़ता है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों में लोकप्रिय होते हैं, टिकट मांगना सबका अधिकार है। उन्होंने टिकट मांगा है तो बातचीत हमारी कई स्तर पर उनसे चल रही है, शीर्ष नेतृत्व भी उनसे बात कर रहा है, हम लोग भी उनके संपर्क में हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिनों में सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे और वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए वाल सिंह मेढा जी के लिए तन मन धन चले। आपको केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक बना के पेटला विधानसभा के लिए यहाँ पहुँचाया, आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके आदरणीय वाल सिंह मेढा जी के चुनाव का पर्यवेक्षक बना के ASG की तरफ से यहाँ मिली है। और जहाँ तक मैं चुनाव की बात करूँ तो पहली बात तो मध्य प्रदेश पूरा इस समय कांग्रेस में है, कमलनाथ जी आ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पिछले लगभग 18 वर्षों की सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन काल रहा है उसमें जनता त्रस्त हो चुकी है, चाहे वो महिलाएं हों। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो आज जब चुनाव उनके सिर पर आ गए तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं की महिला करेंगे, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, तो असंतोष जैसी बात भाजपा के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है। और जहाँ तक हमारे चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से यदि मैं पेटलावल विधानसभा की बात करूँ, हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ जीत दर्ज करेंगे और एक समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज आदरणीय मेढा जी के साथ है। जितने ब्लॉक इस पूरी विधानसभा में हैं सब जगह ये समान रूप से प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं। और एक जो खास बात मैंने महसूस की, एक विधायक वाला जो एटीट्यूड बहुत लोगों में होता है वो नहीं है, बहुत सरल है, इजी गोइंग है, सुलभ है, तो ये इनकी खासियत जो है वो इनको लोकप्रिय बनाती है और इसीलिए जिताऊ उम्मीदवार हैं, इसीलिए पार्टी ने पुनः फिर इन पर भरोसा किया, तो निश्चित रूप से चुनाव जीते। अभी आप पेटलावाद विधानसभा में क्या क्या चुनौतियाँ देख रहे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए अगर मैं बात करूँ पेटलावाद विधानसभा की चुनौतियों की, तो अभी आपने एक सवाल किया था मुझसे कि आप क्या इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो चुनौती जैसी चीज़ मुझे इसलिए नहीं दिखती कि जो प्रत्याशी सामने हैं पहले भी लड़ी है और प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी नहीं जीत पाई थी, तो आज तो वो लहर भी नहीं है, आज तो राहुल जी की लहर है, आज तो भारत जोड़ो यात्रा की लहर है, तो चुनौती जैसी कोई बात मुझे देखने के लिए नहीं मिली। हाँ लेकिन चुनाव है तो उसे चुनाव की दृष्टि से ही देखेंगे, चुनाव को हम किसी प्रतिद्वंदी को हल्का देंगे ऐसा तो नहीं लेंगे, हम अपनी पूरी टीम को पूरे तरीके से जिस भी तरीके से उनको चार्ज करना पड़ेगा, जिस तरह की गाइडलाइंस मुझे मिलेंगी ऊपर से, वो सारी चीज़ें हम सोचेंगे कि ग्रास रूट लेवल तक जाए, हमारी बेशक वो सोशल मीडिया की टीम हो, बेशक हमारे बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, मंडल के लोग हैं, हमारे सेक्टर के लोग हैं, उन सबको पूरे तरीके से हमने तैनात किया है और मेरा बूथ सबसे मजबूत के तर्ज पे हम लोग यहाँ रणनीति बना रहे हैं। कितना भी बड़ा नेता हो हमारे इस विधानसभा का, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अपने बूथ पर बैठकर पोलिंग के दिन अपना भरोसा रखें।